हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अजब सी एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपके फ़ोन पर बहुत सारी विंडो को जो है एक साथ ओपन कर देगी और साथ ही साथ आप सभी विंडो पर जो है काम कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूट्यूब की, और यूट्यूब के साथ मुझे करना हो कोई और काम तो ऐसे मुझे सबसे पहले करना होगा यूट्यूब को, फिर उसके बाद जो है मैं वो सब काम जो है कर पाऊँगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसा बताऊँगा मैं आपको, यूट्यूब भी आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी, फेसबुक भी, आप सभी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन आप अपने मोबाइल में 10 स्क्रीन से ज़्यादा अपने फ़ोन को जो है इसमें बना सकते हैं और 10 अलग अलग काम जो है इसके जरिए सिर्फ काम जो है कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को किया हुआ है तो घंटी का निशान दबा लीजिए, इसी के बाद आपको नोटिफिकेशन जो है आएगी। दोस्तों सबसे पहले जाना है आपको अपने ऐप स्टोर में और यहाँ पर सिंपली टाइप करना है FLOATING फ्लोटिंग। तो दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो इसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, जिस पर जो है आपने क्लिक क्लिक कर देना है और आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के स्टेप आपको लोगों जो है फॉलो करने होंगे। यहाँ पे आगे 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 कर देता हूँ, आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए और इसके बाद जो है आप यहाँ पर बैक आ सकते हैं। मैं सिंपली होम का बटन दबाता हूँ और दोस्तों यहाँ पर बता दो, अगर आप लोग जो है यहाँ पर सिंपली आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ से जो है मैं किस पे जैसे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से कुछ भी चीज़ जो है ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि बात करता हूँ यूट्यूब की, यूट्यूब मेरा न्यू विंडो में ओपन हो गया। यहाँ पर बात करता हूँ मैं कॉल लगाने किसी को, यहाँ पर मैं जितने भी काम करने वाला हूँ वो सब चीज़ें जो है मैं इस एप्लीकेशन की मदद से जो है कर सकता हूँ। चाहे यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर यूट्यूब के बाद वीडियोज़ की, चाहे बात कर लेते हैं इसके बाद हम किसी और चीज़ की, जैसे कि मैं यहाँ पर फेसबुक यूज़ करने वाला हूँ। तो ऐसे में क्या है दोस्तों, अपने फ़ोन पर जो है बहुत सारी स्क्रीन जो है अलग अलग अंदाज से जो है देख पाएंगे और जो है बिल्कुल उस तरीके से उन पर काम कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर डायलर हो गया जिससे मैं अपनी कॉल लगा सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यूट्यूब हो गया, यहाँ पर मेरी फाइलें हो गई या इनके जहाँ से मैं अपना वीडियो देख सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ जो है आप बड़े आसान तरीके से आप अपने फ़ोन पर कर सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सिंपली टाइप करने वाला हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए फिलहाल के लिए तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको बैठा देता हूँ, इसको बैठा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं टाइप करता हूँ जैसे कि STAR गुरुजी, तो सिंपली जैसे मैं टाइप करूँगा, सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यानी कि आप चाहे तो बड़ी आसानी से जो है इस चीज़ को जो है चला सकते हैं। यहाँ से आप इसको कॉर्नर से पकड़ेंगे तो आप इसका साइज़ जो है बड़ा छोटा जो है कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे में बड़ी ही कमाल की एप्लीकेशन है, आप अपने फ़ोन पर एक से ज़्यादा स्क्रीन पर जो है यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बड़ा ही आज पसंद आएगा। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूँगा, अगर आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो आपने जाना होगा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपने आना होगा अपने जहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को डिलीट करते हैं तो वहाँ पे अनइंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे आ जाइए और एप्लीकेशन मैनेजर में आ जाइए। जैसे कि आप बात करते हैं फ्लोटिंग ऐप की, तो यहाँ से इसकी सारी परमिशन जो है अलाउ आप जो है कर दीजिए। इसके बाद जो है आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ठीक से वर्क करना स्टार्ट कर देगी तो दोस्तों आप जो है अपने फ़ोन पर एक से ज़्यादा स्क्रीन का जो यूज़ जो है वो कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का हमारा वीडियो बड़ा ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।